कितनी खूबसूरत आवाज है कितने प्यारे तरीके से आप लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग टू कंप्लेन और वाकई हम पे अल्लाह की जितनी इनाम है इतनी नेमतें हैं इतनी आसाइशें हैं कि वी रियली डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन और जब बंदा इस तरह सोचता है तो बंदे को हर चीज बहुत अच्छी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह का इनाम लगती है लेकिन इसके बरक्स जब हम ऑपोजिट तरीके से सोचते हैं जब हम अपने आप को बेचारा समझ के अपने आप को गरीब मस्किन बना के और जुल्म का शिकार बना के समझते हैं तो हमें सब कुछ कितना बड़ा बड़ा कितनी मायूसी होती है और सब कुछ कितना बुरा लगता है और अल्लाह की वो नहमतें जो हर वक्त हमारे साथ होती हैं, हम उन्हें भी गवा देते हैं और अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे नहीं रहते बहुत दफा देखा गया कि बड़ी बड़ी चीजों को पाने के शौक में जो छोटी छोटी नेकियां हमारे पास है हम उन्हें छोड़ देते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ला सीरतुलनबी वसल्लम पढ़ के हमें एहसास हुआ कि सबसे पहले जो पास है उसका शुक्र अदा करते रहे अगर आपको सांस आ रही है तो ये इस बात का एक मौका है कि अल्लाह ने अभी भी हमें मोहलत दी कि हम तोबा करें और उसकी तरफ पलट जाए अगर अल्लाह ने हमें तोफीक दी है कि हम खाना खा सकते हैं निगल सकते हैं तकलीफ के बगैर तो बहुत शुक्र अदा करें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खुराक नालियां लगी हुई हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नमाज पढ़े लेकिन पढ़ नहीं सकते कोई ऐसा उजर कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाती है कि सजदा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने सजदे की तोफीक दी हुई है तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और सबसे बड़ा शुक्र उस जात का ये है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया उम्मत मुसलिमा का एक फर्द बनाया उम्मत मोहम्मदी का एक फर्द बनाया और उम्मत वस्त का खिताब हमें दिया लेकिन इसके साथ साथ हमारे कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई कि ये जिम्मेदारी हमने एहसन तरीके से पूरी करने के लिए अपनी पूरी जान माल की ताकत लगा देनी है खुद तो अमल करना ही है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने इर्द वालों को पास वालों को अपनी औलादों को अपनी आने वाली नस्लों को ऐसा इल्म, ऐसा अकीदा, ऐसा ईमान दे जाए कि कल को कोई ताकत उनको इस्लाम की राह से ना हटा सके आज की नशिश का बाकायदा आगाज करते हैं नहमद करीम أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير आमीन या आलमीन। हजरत अबू रिवायत है अल्लाह ने, ने इसके लिए आग वाजिब कर दी और इस पर जन्नत हराम ठहराई इस शख्स ने आप सल्लाह से अर्ज की अगरचे वो मामूली सी चीज हो ए अल्लाह के रसूल आप सल अला वसलम ने फरमाया चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख हो सही मुस्लिम की हदीस है वन थ्री सेवन कितनी बड़ी बात है किसी ने अगर अपनी कसम के जरिए किसी मुसलमान को तकलीफ दी आज हम आदतन या वैसे ही छोटी छोटी बातों पे झूठी कसमें कितने आराम से खा लेते हैं और हमें डर ही नहीं लगता कि हमें एक दिन अल्लाह सुबहान तला के सामने हाजिर होना है और अगर एक सुई के बराबर एक तिंके के बराबर पीलू की दरख्त की जो टहनी होती है वो बिल्कुल बेबुकत है उसकी कोई हैसियत नहीं अगर उतना सा भी हक हमारी वजह से किसी का मारा गया तो कल कयामत के दिन हम उसके सामने खड़े कर दिए जाएंगे यकीन जाने जब से सीरत पढ़ना शुरू की है और आप सल वसल्लम की हदीस तो जो आप अल्लाह ताला की इबादत हैं वो तो जरूर शोक से करते हैं हम सारे लेकिन हकुकुल इबाद का कितना बड़ा सवाल हमारे आगे खड़ा है इससे हम लोग बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं इसीलिए तो हमें किसी पे जुल्म करते हुए किसी की करते हुए किसके बारे में बुरा गुमान लाते हुए डर नहीं लगता और इंसान है कभी ईमान बढ़ेगा कभी घटेगा कभी इतना अच्छा होगा कि बहुत अच्छे काम होंगे कभी ऐसा होगा कि नेगेटिव ख्याल आएंगे किसी के बारे में वहम शैतान दिलाएगा तब हम अपने आप को क्यों नहीं रोकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हकूकुल इबाद का कितना बड़ा सवाल है और जब तक वो शख्स जिसके बारे में हमने गलत फहमी पैदा की या जिसको मैंने किसी महफिल में जलील किया या किसके बारे में मैंने झूठी कसम खाई जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा एक सेकेंड के लिए सिर्फ ये सोच लेना कि जिस शख्स के सामने हम दिखावे में या सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसके बारे में मेरे दिल में कितनी नफरत कितनी बोस हो और क़यामत के दिन तो वो जाहिर हो जाएगा अभी हमारी बात जरा सी किसी पे जाहिर हो जाए हम कितने शर्मिंदा होते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं उसको ना बताना कि मैंने ऐसा किया है और वो दिन जिस दिन तमाम दुनिया के इंसान जब से दुनिया बनी है जब तक दुनिया रहेगी तमाम सामने खड़े होंगे और मुझे अल्लाह सुबहान तला के हजूर हाजिर किया जाएगा और हर वो शख्स जिसके साथ मैंने गलत किया जिसकी मैंने गिबत की जिसके बारे में मैंने गलत अफवाह फैलाई जिसके बारे में मैंने गलत कसम खाई जिसका मैंने हक मारा सामने पेश कर दिया जाएगा तो क्या मैं उसको फेस कर सकूंगी बिल्कुल नहीं एक सेकंड के लिए जब मैं सोचती हूँ तो मैं तो काम जाती हूँ और मैं कहती हो। बहुत से ऐसे काम जो हम ला इल्मी में और बहुत से कैसे काम जो हम जान के करते हैं आज तोबा कर लीजिए अगर वो शख्स जिससे कभी किसी टाइम पे आपका कुछ अन इंटेंशनली बुरा हो गया है उससे माफी मांग लीजिए यकीन जाने आज की शर्मिंदगी कोई शर्मिंदगी नहीं है बल्कि माफी मांगने वाला तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी होती कि वो माफी मांग ले। लेकिन कल जब हमें सबके सामने पेश किया जाएगा अल्लाह हमें उस दिन की शर्मिंदगी से बचाए अल्लाह सुबहान जैसे दुनिया में हमारे पर्दे रखे हैं आखिरत में भी हम सब के पर्दे रखे हमने देखा कैसे आप सलम ने मक्का फतेह कर लिया और उसके बाद कैसे वफूद डिफरेंट जो लश्कर थे, थे आप सलम के सामने हाजिर होते थे और कुछ इस्लाम कबूल कर रहे थे थे या कुछ जजिया दे के ईमान ले आते थे इस तरह हमने बहुत से वफूद के बारे में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे बनु हनीफा का वफ्त ये वफ्त नौ हिजरी में आया इसमें मुस्लिमा कजाब समेत सत्रह अफराद थे ये लोग एक अंसारी के घर उतरे फिर खिदमत नबी में हाजिर होकर मुसलमान हो गए अलबत्त मुस्लिम कजाब के मुतालिक कहा जाता है कि वो भी मुसलमान हो गया बड़े गौर से मुस्लिम कजाब की बातें पढ़िएगा कहीं इसमें हम तो शामिल नहीं है मुस्लिम कज, कजाब जो था वो अंसारी था लेकिन मुसलमान हो गया मजीद कहा जाता है कि वो पीछे रह गया था और खिदमत नबी में हाजिर ही ना हुआ था और कहता था अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बात कारोबार में मुझे सौंपा सौंपना तय कर दिया तो मैं इसकी पैरवी करूंगा अल्लाह अकबर मुसलमान तो हो गया लश्कर के साथ आया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर ना हुआ और ऊपर से शर्त भी रख दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि उनके बाद उन्हें लगता था कि निबुअत एक कारोबार है कि वो मुझे सौंप देंगे तब मैं उनकी पैरवी करूंगा ये सेंटेंस जब मैंने पढ़ा और थोड़ा सा गौरव फिक्र किया तो बहुत ज्यादा हैं है और अल्लाह हमें माफ करे कहने को उतने ही मुसलमान हैं जितना मुसलिम था। अल्लाह हमें बचाए क्योंकि हम कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन बीच में हम अपनी चीजें ले आते हैं अगर इस्लाम हमें इस बात की थोड़ी सी इजाजत दे दे तो मैं फॉलो कर लूंगी अगर इस्लाम हमें इस चीज की थोड़ी सी एक्सेप्शन दे दे तो मैं फॉलो कर लूंगी आज हमने पिक एंड चूज का रिलीजन बनाया हुआ कि मैं खुद पिक करूंगी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जाके प्रिंसिपल साहब को कहें कि मैं ये वाले रूल तो फॉलो करूंगी लेकिन ये वाले रूल मेरे लिए फॉलो करना मुश्किल है ये मैं फॉलो नहीं कर सकती नहीं हो सकता ना तो अल्लाह सुबहानो तब के दीन के साथ हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो चीजें जो बातें मुझे आसान लग रही है जो मुझे इम्प्लीमेंट करना आसान लग रही है वो तो मैं मान लू और जो बातें मुझे मुश्किल लग रही हैं जो मेरी नफ्स पे मेरी ख्वाहिशात पे मुश्किल ढा रही हैं उनको मैं छोड़ लू एग्जैक्टली यही सिनेरियो आज के मुसलमान का है अल्लाह हमारे मुस्तकीम पे ले जाए आज हम भी मुस्लिम कजाब बन गए हैं हम पिक एंड चूज कर रहे हैं अपने रिलीजन में हालांकि इस्लाम यही नहीं है और विदा के वक्त जो आप वसल्लम ने खिताब किया था जब हम वो पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था पूरे के पूरे के दीन में दाखिल हो जाओ और उसमें क्या आता है कि जो बातें मुझे अच्छी लग रही है जो मेरे लिए बहुत आसान टू फॉलो है वो मैं करूं लेकिन जो मुश्किल लग रही हैं उनको तो और दिल पे पत्थर रख के अपनी अना को कुचल के और ज्यादा फॉलो करूं लेकिन आज अफसोस के साथ हम वो मुसलमान नहीं रहे इससे कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देख चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोए जमीन के खजाने लाकर रख दिए जाएंगे और इसमें से सोने के दो कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं आपको ये दोनों बहुत गिरा और तकलीफ दे महसूस हुए आपको वही की गई कि इन दोनों को फूक दीजिए चुनाचे आपने फूक दिया तो वो दोनों उड़ गए क्या आज हमारे सामने दुनिया भी ऐसे पेश नहीं कर दी गई बहुत सी फैसिलिटीज, बहुत सी चीजें दुनिया का पंप एंड शो, ग्लैमर हमारे सामने बेहतरीन तरीके से पेश कर दिया गया है हमारा क्या काम है जैसे आप अलैहि वसल्लम ने सोने चांदी के ढेर को फूक मार दी थी जब मुझे पता है कि ये दुनिया मेरा बहुत ही थोड़ी सी देर मैंने इस दुनिया में रहना है तो क्या फर्क पड़ेगा कि मैं दस कनाल के घर में रहूं या मैं पांच मरले के घर में रहूं तो क्या फर्क पड़ेगा कि मेरा जोड़ा चालीस हजार का हो या चार सौ का हो तो क्या फर्क पड़ेगा कि मैं बर्गर पिज्जे उड़ाऊं या दाल रोटी खाऊं असल चीज है कि हमें अपनी आखरत पे नजर रखनी है आप सल्लाम को अपनी जिंदगी में दो कजाब की पेशन गोई कर दी गई थी जिनमें से एक था मुस्लिमा कज़ाब इसकी ताबीर आप वसल्लम ने यह झूठे नमूदार होंगे वसल्लम मुस्लिमा के पास आए आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी और आपके हमरा हजरत साबिन बिन कैस रजिया थे आप मुस्लिम के सर पर जा खड़े हुए जो अपने साथियों के दरम्यान था आपने इससे गुफ्तगु की मुस्लिम ने कहा अगर आप चाहें तो हम हमूमत आप ही के हाथ में रहने देंगे लेकिन अपने बाद इसे हमारे लिए तय फरमा हुब्बे जा और हुबे माल ये वो चीजें हैं जो इंसान से हर गलत काम करवा देते हैं आप वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुझसे खजूर का ये टुकड़ा भी चाहोगे तो तुम्हें ना दूंगा

आप गए दो टोक उससे बात की और साबित बिन कैस को कहा कि आगे, आगे आप इनसे डील कीजिए वक्त वापस गया तो मुस्लिमा कुछ दिन ठहरा रहा उसने दावा किया कि इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कार्य नबूत में शरीक कर लिया गया है चुनाचे इसने नबूत का दावा किया आज फितनों के दौर में कितने कजाब आ रहे हैं जो अभी भी नबूत का दावा कर रहे हैं अगर आज हम दीन के बारे में सही तरीके से नहीं जानते अगर आज हमारा अकीदा मजबूत नहीं है तो ऐसे बहुत से कजाब हमें से मुस्तकीम से हटा देंगे सजात घड़ने लगा सजात होता है मतलब डिफरेंट किस्म की खुद बातें घरने लगा खुद साख्ता बातें घरने लगा और अपनी कौम के लिए शराब और जना हलाल करतीफर कौम भी फितने में पड़ गई और इनका मामला संगीन हो गया आज हम भी फितने में नहीं पढ़ते हमने अपनी बच्चियों के लिए आम कर दिया हमने अपनी बच्चियों को एग्जामेशन दे दी कि बेटा आपकी मर्जी है आप कवर करें सर ना करें हम बड़े लिबरल माँ बाप हैं हम आपको फोर्स नहीं करते हमने मिक्स गैदरिंग अलाउ कर दी हमने दीन की तालीम को प्रायोरिटाइज कर दिया दुनियावी तालीम को प्रायोरिटाइज कर दिया और दीन की तालीम को पसे से पुश्त डाल दिया मेरा बेटा अच्छा कमाए बहुत जरूरी है लेकिन चाहे वो नमाज पढ़े ना पढ़े ये फर्क नहीं पड़ता बस दुनिया में उसकी कमाई बहुत अच्छी होनी चाहिए जब दुनिया में हम पढ़ जाएंगे और जब अल्लाह के अहकाम को हम रद्द कर देंगे और अपनी तरफ से चीजों को हम खुद राइज कर लेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा आज हवा की बेटी कितनी गैर महफूज है इतना देखा जा रहा है जना इतना आम हो गया है औरतें अपने आप को पेश कर रही हैं कहीं जबरदस्ती हो रही है जुलम और बरबरीत आ गई है और वजह क्या है कि हमने उन चीजों को जिनसे अल्लाह सुबहाना ने आप सल अला वसलम ने मना किया था हमने उनको आम करा दिए आम करार कर दिया हमने अल्लाह के अहकाम को आप सल अलाम की अहदीस को बहुत हल्के में ले लिया अगर आज भी हमारी आंखें ना खुली तो ये वो फितने का दौर है कि अल्लाह ही हमारी हिफाजत करे कौम भी फितने में पड़ गई और इनका मामला संगीन हो गया अभी ये सूरत हाल जारी थी कि रसुल्ला इंतकाल फरमा गए इसकी कौम मजीद फितने में मुब्तला हो गई आखिरकार हजरत अबू बकर सदीक रजी तहो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी तनहो की क्यादत में लश्कर भेजे इनमें और मुसलमानों में सख्त लड़ाइयां हुई मुस्लिम और इसका बेशतर लश्कर मारा गया इसका कातिल हर अनहो था जिसने हजरत हमजा रजी ताला तहो को शहीद किया था दूसरा कजाब जो नबी वसल्लम को दिखलाया गया वो असवद अंसी का था जिसका जिक्र हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे शाहन हुमेर के कासिद की आमद हमेर जो है ये एक इलाके का नाम है तबूक से नबी वसल्लम की वापसी के बाद मालिक बिन मुर्रा आप वाले वाले की खिदत में हाजिर हुआ इसके पास चाहान हारिस बिन अब्दे कलाल नईम बिन अब्दे कलाल और नुमान सरबराने जीराफर और और हमदान के खतूत थे ये लोग मुसलमान हो चुके थे और इसी इतला के साथ इसको भेजा था नबी ने इन्हें जवाबी खत लिखा जिसमें इनके हकूक और इनकी जिम्मेदारियां बयान फरमाई और ताला अन्हों को कुछ सहाबा के साथ भेजा ये अदन के अतराफ में सकून सका के दरम्यान बलाई यमन के काजी जंगों के हाथके और सदका जजिया की वसूली पर मामूर थे और पांचों नमाजें पढ़ाते थे जीरी यमन जुबैदा मारे जमा और साहिल के लिए हजरत अबू मूसा अशी को भेजा और दोनों को फरमाया तुम दोनों आसानी करना सख्ती ना करना कुछ खबरी देना नफरत ना दिलाना और मिलकर रहना इख्तलाफ ना करना अगर आज ये वाले पॉइंट्स ही हम सारे लिख लेना और इस पे अमल करना शुरू कर दें तो आधी से ज्यादा हमारे मसले तो हल हो जाएंगे आप सल्लाह वसलम क्या कह रहे हैं तुम दोनों आसानी करना सख्ती ना करना क्या हम दिन के मामले में बहुत सख्त तो नहीं हो जाते खुद से सवाल कीजिए और आप अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है सख्ती करना कभी भी नहीं सीरत के पूरे सफर में आप अलैहि वसल्लम को कभी भी सख्ती करते हुए नहीं देखा गया आसानी करना सख्ती ना करना कुछ खबरी देना नफरत ना दिलाना कुछ खबरी देना कि अगर ये करोगे तो अल्लाह ताला ये इनाम देगा इंसेंटिव देना बल्कि ये ना कहना कि अगर ये नहीं करोगे अल्लाह ताला डायरेक्ट अजाब में डालेगा आज हम लोग बच्चों को डरा देते हैं अगर नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह ताला आग में डाल देगा हम ये नहीं क्यों कहते कि अल्लाह ताला तो आपको सत्तर माहों से ज्यादा प्यार करता है आप... नफरत ना दिलाना मिलकर रहना इस्लाम हमेशा इज्तमाही पीसफुल रहने का हुक्म देता है चाहे वो एक घराना हो चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे वो उम्मत मुस्लिम पूरी इज्तमात में हो आज बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि एक आलम एक रहनुमाए दीन दूसरे रहनुमाए दीन के बारे में गलत मलत बातें कर रहे हैं और अगर कोई जरा सा आगे बढ़ जाए तो विदाउट नोइंग द पर्सन बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी हो रही है आप वसल्लम ने हमें हरगिज ये नहीं सिखाया है और इख्लाफ ना करना जहाँ पे भी इख्तलाफ आए वहां पे जरूरी है कि आप अपनी बात पहुंचा दें अगले तक कन्वे कर दें आगे मानना ना मानना उसका अपना काम है लेकिन आपने बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करना लड़ना नहीं है हजरत माज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा तक यमन ही में रहे अबतः हजरत अबू मूसा रजील त हिजरतुलविदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ तो ले आए हमदान का हमदान यमन का एक मशहूर कबीला है इसका वफ्त नो हिजरी में तबूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर खिदमत हुआ इसमें मालिक बिन नमत रजी थे जो बेहतरीन शायर थे हमने देखा है अरब में लोगों का मिजाज था कि वो बहुत खूबसूरत शायरी किया जा करते थे तो मालिक बिन नमत रजी अल्लाह एक बेहतरीन शायर थे उन्होंने कहा मैंने मन्ना का चक्कर लगाने वालियों और करदत की बुलंदी से काफलों के साथ पलटने वालियों के रब की कसम खाई कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में सच्चे माने गए हैं ये वो हिदायत याफ्ता रसूल हैं जो अर्श वाले के पास से आए हैं किसी ऊँटनी ने अपने कजावे पर कोई ऐसा इंसान सवार नहीं किया जो अपने दुश्मन पर मोहम्मद से ज्यादा कड़ा हो यानी उसने आप सल्लाम सल की तारीफ में अशा कहे रसूल सल वसलम ने इनके लिए एक तहरीर लिखी और जो कुछ उन्होंने मांगा था वो उन्हें दिया और जो लोग इस्लाम लाए थे इस पर मालिक में नमथ रजी तक को अमीर मुकरर फरमाया फिर बाकी लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए हजर खालिद बिन वलीद रजी तला को रवाना फरमाया उन्होंने छह महीने गुजार दिए मगर वो मुसलमान ना हुए इसके बाद हजरत अली बिन अबू तालिब रजी तनो को भेजा और हुक्म दिया कि वो हजरत खालिद रजील तनों को वापस भेज दें ये क्या हजरत खालिद बिन वली रजिया ने इतना टाइम स्पेंड किया पूरी कोशिश की लेकिन लोग मुसलमान ना हुए और उसके बाद छह महीने बाद अबू को भेजा और दिया कि वो खालिद रजी ताला अन्हों को वापस भेज दें उन्होंने ऐसा ही किया फिर सईदनाजी तला को इन लोगों को रसूल खत पढ़ के सुनाया और इन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो सब मुसलमान हो गए किसको हिदायत किसके जरिए मिलनी है किसके दिल पे किसकी बात असर करनी है ये अल्लाह तय करेगा हिदायत देने वाला खालिस अल्लाह ही है अल्लाह के अलावा कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता लेकिन उसका जरिया कौन बनेगा ये सब अल्लाह डिसाइड करता है हजरत खालिद रजी अल्लाह उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो लोग इस्लाम ना लाए लेकिन हजरत अली रजी तोगे उन्होंने एक खत पढ़ के सुनाया आपसे वसलम के बारे में बताया और वो लोग मुसलमान हो गए हजरत अली रजी तलाम को इसकी बिशारत लिखी तो आप सजदा रेस हो गए फिर सर उठाकर फरमाया हमदान पर सलाम हमदान पर सलाम इससे हमें अमल की बातें क्या मिलती हैं कुछ दिल बहुत देर से हिदायत याफ्ता होते हैं बहुत देर से उनको हिदायत मिलती है लेकिन कंटिन्यू कोशिश करते रहें अगर एक बात किसी एक बंदे को किसी की समझ नहीं आ रही तो दूसरा बंदा जो साहिब हिदायत है वो कोशिश करे कि अगले बंदे को बात समझाए क्या पता उसकी हिदायत अल्लाह ने किसी और के हाथ में लिखी हो तीसरी बात जो हमें सिखाएगी सजदा शुक्र जब भी कोई खुशी की खबर मिले तो फौरन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और सजदे में गिर जाएं बनू अब्दुल मैदान का वक्त इनके बाद ने दस में खालिद बिन वलीद इन्हें तीन दिन तक इस्लाम की दावत दें अगर वो ना माने तो लड़ाई करें आप सल वसलम हमेशा मोहल्त देते थे फौरन से कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते थे और फौरन से अटैक नहीं करते थे चुनाचे वहां पहुंचकर हजरत खालिद रज़िया तला ने सवारों को हर तरफ इस्लाम की दावत देने के लिए भेज दिया जो कहते थे लोगों इस्लाम लाओ सालम रहोगे हमें नहीं आज कहना चाहिए लोगों इस्लाम दिल में ले आओ सालम रहोगे हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का हल हमारे दीन में दिया हुआ है मसला ये है कि आज हम अपने दीन से अपने दीन की तालीमत से बिल्कुल गाफिल है हजरत खालिद लोग मुसलमान हो गए हजरत खालिद रजी दरमियान ऐसे लोगों को मुकरर किया जो इस्लाम की तालीम दे जब कोई मुसलमान हो जाए तो उस पर फर्ज है, फर्ज है, एन है कि वो दीन की तालीम लाजमी ले और रसूल सलम को इसकी इतला लिख दी देखिये हजरत खालिद रजी तहो से भी हमें बड़ा एक सबक मिलता है क्या वो पीछे जो थे हमदान के वक्त के पास गए उन्हें तबलीग करते रहे वो लोग इस्लाम नहीं लाए लेकिन वो डिसहार्ट नहीं हुए लेकिन जब वो बन्नू अब्दुल मैदान के वक्त के पास गए वो लोग इस्लाम ले आए दीन के रास्ते में कोई आपको अच्छा कहे बुरा कहे अपनी नीयतों को हमेशा रिवाइज किया करें कि मैं ये काम कर रही हूँ ये किसके लिए कर रही हूँ पर्सनल एग्जाम्पल से कहती हूँ बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं ईमान का लेवल कभी किसी हाईट पर होता है और कभी इतना लो हो जाता है कि बंदा कहता है यार किसी ने ये लोग तो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं लेकिन जब हम नीयत रिवाइज करते हैं कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आप में करेज आ जाता है हजरत खालिद रजीला अल्लाह ने बिल्कुल हौसला नहीं छोड़ा बल्कि दीन की दावत ले दे, देते रहे लेकिन एक वक्त उनसे ईमान नहीं लाया लेकिन दूसरा फौरन इस्लाम ले आया दूसरी अमल की बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसे ही कोई दीन इस्लाम में दाखिल हो तो इस्लाम की तालीम लेना शुरू कर दे आप ने रजी ताला अन्हों को पैगाम दिया कि इनका वक्त लेकर आए हजरत खालिद ने ऐसा ही किया जब ये लोग आप वाले वाले के पास पहुंचे तो आप वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया जहालियत में जो तुमसे लड़ता था इस पर तुम लोग किस वजह से गालिब आते थे कि जब तुम लोग जाहिल थे तुम लोगों से जब लोग लड़ते थे तो किस वजह से गालिब आते थे बड़ा गौर से सुनिएगा तब तो ये लोग मुसलमान नहीं थे लेकिन करते क्या थे इन्होंने कहा हम जगजा होते थे यानी हम यूनाइटेड थे मुतफरक ना होते थे और किसी पर जुल्म का आगाज ना करते थे गैर मुस्लिम थे लेकिन यूनाइटेड थे

सुन्नत और इस्लाम की चीदा चीदा बातें सिखाएं और इनसे सदकार वसूल करें आप अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक उन्हें एक तहरीर भी दी जो बहुत मशहूर है आज हम पे फर्ज है कि दीन की छोटी छोटी बातें हमारा दीन इतना प्यारा दीन है कि वजू से लेके तयम गुसल का तरीका गुस्से जनाबत का तरीका हैज के बाद कैसा गसल करना चाहिए उसका तरीका हमें सिखाया गया है औरतों के छोटे छोटे मसाइल हमारे दिन में हमें बताए गए हैं हम फजूल बातें करने में तो शर्माते नहीं है लेकिन इन बातों से खुद अवेयर होने में और अपनी औलाद को अवेयर करने में शर्माते हैं खुदा का वास्ता है मदर्स जो मदर्स हैं और जो बड़ी भी लेडीज हैं अगर आपको इन बातों का इल्म नहीं है जरूर इस इल्म को सीखें ये हम पे फर्ज है और फिर आगे अपनी बेटियों को आगे वाली नस्लों को बताना ये चीजें बहुत जरूरी है बनु मुजहज का इस्लाम ये भी एक यमनी कबीला है वसल्लम ने इनके पास हजरत अली बिन अबू ताला रसी को रमजान दस हिजरी में इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा और हुक्म दिया कि जब तक वो लड़ाई ना करे लड़ाई ना करना आप वसल्लम उल्य। बार बार एक हुक्म दे रहे हैं कि जब तक दुश्मन लड़ाई ना करे आप लड़ाई मत कीजिएगा जब हजरत अली ताला अन्हों इनके पास पहुंचे और इनकी जमीय का सामना हुआ तो उन्हें इस्लाम की दावत दी मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों पर तीर चलाए हजरत अली ने भी अपने साथियों की सफ बंदी की और इन और इनसे लड़कर उन्हें शिकस्त दी लेकिन इनके ताकुब से कुछ देर रुके रहे फिर इनसे जा मिले और इन्हें फिर इस्लाम की दावत दी अब की बार वो लोग मुसलमान हो गए इनके सरदारों ने बैत की और कहा हमारी कुम के जो लोग पीछे हैं हम इनके जिम्मेदार हैं और ये हमारे हैं इनमें से आप अल्लाह का हक ले लीजिए हजरत अली रजी त्या पलट करमा तो में, में आप सल्लाम से मुलाकात हुई नबी को लोगों को दावत देना थी नबी सल अल्लाह वसलम को लोगों से लड़ना नहीं था आपने इस्लाम फैलाया लेकिन इखलाक के बलबूते पे और प्यार के बलबूते पे शनु का वक्त ये भी यमन के अतराफ का एक मशहूर कबीला है इसका वक्त हजरत सरद बिन अब्दुल्ला अजदीर रजील तनहो की क्यादत में आया और मुसलमान हो गया आप सल्लाह ने सर्द रजी तनहो को इनका अमीर बनाया और हुक्म दिया जो इस्लाम ला चुके हैं इनको साथ लेकर आस पास के अहले शर्क से लड़ाई करें जो इस्लाम ले आता है उसका क्या फिर मिजाज हो जाता है कि उसने इर्द गिर्द के शिर से लड़ना है इर्द गिर्द होने वाली बिदात से लड़ना है ना कि उनका हिस्सा बनना है आप सब लोग जो भी सामने हैं जो इस महफिल का हिस्सा है बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई मेरे और आपके कंधों पर रबील है क्या हमें ऐसी किसी भी महफिल का हिस्सा बनना है जिसमें बिदात हो किसी भी ऐसे काम को प्रमोट करना है जिसमें हो हरगिज नहीं और याद रखिएगा अगर हम ये सोचें कि क्या फर्क पड़ेगा मैं दिल से तो बुरा जान रही हूँ खैर है मुझे करना पड़ेगा तो ये हमारे ईमान की बहुत ही कमजोर होने की अलामत होगी जरीर बिर अब्दुल्ला बजाली की आमद और जुल खल्फा का इंहताम इन्हताम होता है गिराना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरीर बिर अब्दुल्ला बजाली भी तशरीफ लाए ये मशाहिर सहाबा में से हैं इनके कबीले बुजैला और खसम का एक बुद्ध और एक बहुत बड़ा बुत खाना था जिसे जुल्ख ले कहते थे वो इससे खाना काबा की हमसरी करते थे यानी खाना काबा को उससे रिलेट करते थे और कहते थे चुनाचे वो काबा को काब शामिया कहते थे यानी शाम का काबा और अपने बुत को काब युमानिया कहते थे ये देखिए जो भी चीज पॉपुलर होती है उसकी लोग नकल जरूर करते हैं तो इन्होंने क्या किया इन्होंने दो आ, अपने भी एक बुत खाना बनाया जो हकीकी काबा था उसको काबा शामिया कहते थे और अपने बुत खाने को काबा यमानिया कहते थे एक दिन रसूल सलम ने हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजीला फरमाया क्या तुम तो मुझे जुल से राहत ना दोगे यानी के उससे अच्छी खबर नहीं दोगे वो लोग इस्लाम नहीं ले आएंगे उसको ढा नहीं दोगे उन्होंने शिकवा किया कि वो घोड़ों पर बरकरार नहीं रह, रह सकते यानी उनमें जरूरत नहीं है इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त मुबारक से इनके सीने पर जरब लगाई और फरमाया ए अल्लाह इन्हें साबित कदम रख और इन्हें हादी और मेहदी बना चुनाचिस के बाद वो घोड़े से कभी नहीं गिरे फिर वो अपनी कौम अहमस जो बजलिया की एक शाख है कि 150 सवारों के साथ गए और इसे वहरान कर दिया यानी बुतखाना तोड़ दिया और जलाकर खारिशा ऊंट की तरह छोड़ दिया और अबू अबूत को इसकी बिशारत देकर रसूल सलम के पास भेजा आप सलम ने अहमस के घोरों और लोगों के लिए पांच बार बरकत की दुआ फरमाई असवद अंसी असवद अंसी कौन था शुरू में हमने पढ़ा था मुस्लिम कजाब और ये भी एक कजाब था वो दो कजाब जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दे दी गई थी यमन में अमन और इस्लाम की तालीम हो चुकी थी और इसके तमाम अतराफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल मौजूद थे कि अचानक कैफ हनान नामी शहर में सात सौ जंगजुओं के साथ असवद अंसी जाहिर हुआ वो अपनी नबूवत और हुकूमत के दावेदार था इसने आगे बढ़कर सना पर कब्जा कर लिया फिर इसका मामला मजीद संगीन हो गया इसका फितना सख्त और इसकी हकूमत ताकतवर हो गई यहाँ तक कि रसूल के, के मुसलमानों ने इसके साथ मसलहत से काम लिया ये सिलसिला तीन या चार महीने जारी रहा फिर फेरोज दिलमी रजी अल्लाह ती साथियों ने जो मुसलमान हो चुके थे एक चाल चली जिसके नतीजे में इसे कत्ल करके इसका सर काटा और किले से बाहर फेंक दिया ये देखकर इसके साथी भाग निकले और इस्लाम और अहले इस्लाम गालिप आ गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमाल उमाल कौन होते हैं जो जक़ात वसूल करते थे उन्हें उमाल कहते थे अपने अपने कामों पर वापस आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस, इसकी इतला लिख भेजी असवद अंसी के कत्ल का वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ एक दिन और एक रात पहले पेश आया था इसके मतलक आपके पास वही आई और आपने सहाबा को इसकी इतला दी फिर हजरत अबू बकर सदीक के ज़माने में खत भी आ गया इस्लाम के बारे में कोई कितने मर्जी झूठे दावे कर ले लेकिन हक हमेशा जाहिर होकर ही रहेगा अल्लाबहान आपसे मुझसे राजी हो हमारी प्यारी नानी मां जो इस दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह सुबहानो तकफरत करे उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए हम सबको ऐसे काम करने की तोफीक दे कि हम उनके लिए सदका जारिया बने और अल्लाह सुबहान तला हम सब को इज्जत की बापरदा मौत अता फरमाए हमारा खात्मा बिलखैर करे हमें उस वक्त इस दुनिया से ले जाए जब मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो और जब मेरी जबान पे कलमा जारी हो अल्लाह सुबहानो मोहताजी से बचाए अल्लाह सुबहान दीन का बेहतरीन काम ले ले, हमसे हमारी नस्लों से से, हमारी नस्लों से अल्लाह सुबहान दीन के बेहतरीन काम ले ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन कल दोबारा मुलाकात करेंगे सुबह व असल वरम्ह वर्क